हम आपके बच्चे को देते हैं स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था। हमारी विशेषताएं लविंग एंड केयरिंग एनवायरमेंट, कलरफुल एंड चर्पी क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू सिक्स पिलर्स, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग, योगा गेम्स, ताइवांडो, म्यूजिक एक्टिविटी, रेगुलर हेल्थ चेकअप। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। तक्षशिला विद्यापीठ में सारी तरह से अगर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में एक अच्छा सा स्कूल खुला है, जिसमें सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं। अप टू प्लस टू ये स्कूल है, वी आर रनिंग द स्कूल अप टू प्लस टू। हमारे पास तीनों चारों अच्छी बढ़िया मेंटेन्ड लैब्स हैं। यहाँ पे अच्छा डेकोरम है, अच्छा डिसिप्लिन है, और सारे टीचर्स भी हमने अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके लगाए हैं। पीजीटी स्टाफ हमारा बहुत बढ़िया है, मतलब एरिया में शायद बहुत ही कम स्कूल्स में होगा इतना हाईली पेड स्टाफ और इतना क्वालिफाइड स्टाफ। और सबको, सारे बच्चों को, जैसे कि ये थोड़ा सा शहर से अटके हैं, अपने बेरी कस्बे से थोड़ा सा अटके हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी सबको ये अवेलेबल करवाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ 12-13 बसेज हैं, जो स्कूल की बसेज हैं, जो अप्लाई करती हैं। गेम्स के बारे में हमारे पास 2 DP हैं यहाँ पे, और दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं और बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं। और हमने काफ़ी कुछ उनको सुविधाएं भी प्रोवाइड कर रखी हैं, जो भी वो सुविधाएं हमसे मांगते हैं हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि हमारे ग्रामीण स्थली जो परिवेश है, इस तरह ग्रामीण परिवेश है, इसमें काफ़ी अच्छा टैलेंट है। स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ से कुछ एकेडमिक्स में भी हम टीम वगैरह भेजते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा करके आते हैं। झज्जर रोहतक हमारी टीम्स जाती हैं डिक्लेमेशन डिबेट में, तो दे आर बैगिंग गुड पोजिशन आउट देर। तो अच्छा करके आ रहे हैं बच्चे सारे, मतलब अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है इस ग्रामीण परिवेश में। हम उसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सरफेस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज प्रयत्न हमारा यही है। अदर स्कूल और अपने स्कूल में जो तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल है, क्या डिफरेंस देखो, बहुत सी चीज़ें होती हैं अदर स्कूल में, जैसे और भी कई पड़ोस के स्कूल हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा अपने इसमें बाइट में। तो सुना है कि मतलब स्ट्रेंथ उन्होंने इतनी बढ़ा ली है, बट डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पे जी। मेरे पास वहाँ से टीचर्स भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। कुछ एक स्कूल्स में मतलब पता है, उनका नाम है, चल रहा है ऑलरेडी वह एरिया में, लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। बट जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे 11th में हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, उनके 10th वहाँ से क्वालिफाई करके, मतलब बेसिक से क्वेश्चन, जो 4th का क्वेश्चन भी अगर मैं उनसे पूछूं साइंस वगैरह में, तो दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई। मतलब तो इसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि बेस कमज़ोर है जी। और बेस कमज़ोर इसी वजह से होता है कि जब स्टाफ आप कमज़ोर लेते हो, जब स्टाफ अंडर पेड लेते हो, तो उसके कारण ही बेस कमज़ोर होता है। अगर आप स्टाफ हाईली क्वालिफाइड और अच्छा लोगे, तो अच्छा पे भी करना पड़ेगा उसके। तो अगर आपको नाम कमाना है लॉन्ग रन में, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको अच्छा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अच्छा स्टाफ की कोशिश करते हैं, कोशिश करते नहीं कामयाब भी होते हैं, हम रखते भी अच्छा स्टाफ है। हमने काफ़ी अरेंजमेंट कर रखे हैं यहाँ पे, हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर रखे हैं। बच्चे हैं जिनमें वीक बच्चे हैं, तो उनके हम एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे, उनका होमवर्क भी यहीं पे करवा के भेजते हैं। क्योंकि हमें पता है 3-4 बजे गाँव में जाएगा बच्चा, और गाँव में इतनी सुविधाएँ भी नहीं होती ट्यूशन्स वगैरह की, तो हम उनका होमवर्क वगैरह यहाँ पर करवा के भेजते हैं। रेमेडियल क्लासेज हमने लगा रखी हैं, हमने एक्स्ट्रा क्लासेज 11th, 12th, 9th ऑनवर्ड्स लगा रखी हैं, 10th ऑनवर्ड्स मतलब हम एक्स्ट्रा क्लासेज ले रहे हैं NDA के लिए, नीट के लिए, उसके लिए भी हमने अलग से स्टाफ हायर कर रखा है। और उस 2 पीरियड उसके लिए भी लगते हैं, हर रोज उसके लिए दो पीरियड, कभी मैथ के, कभी अगले दिन 2 पीरियड साइंस के। इस तरह से हमने उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करवा रखी है। रिया, अभी 10 बोर्ड्स अबव 90। टीचर्स सारे बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, फ्रेंडली थे। इवन हिंदी वाली मैम तो बहुत अच्छी थी, अच्छे से पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हुआ, रिवीजन हुआ था। अभी 10th बोर्ड्स 88% फर्स्ट एडमिशन हुआ था इस स्कूल में, और तब से मैं इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। और बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी सारे बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और बहुत अच्छा है। सर प्रियांशी, एथलेटिक्स खेलती हो? यस सर। कितने मीटर दौड़ती हो? सर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। सर 5 किलोमीटर 18 और 19 मिनट्स में। सर कहीं भी जाते हैं, साथ जाते हैं सर, सभी तरह का सहयोग मिलता है। यहाँ पर प्रैक्टिस हुआ था? यस सर।
तो आप कहाँ पे खेले हो? सर नेशनल। पढ़ाई की बात रही जो शिक्षा की, सर अच्छी चल रही है, जैसे खेती में थोड़ा सा उनका सहयोग कर देना या किसी भी छोटे छोटे मामले छोटे से काम में उनको साथ दे देना। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ देयर होमली कंडीशंस, घर की आर्थिक स्थिति या परिस्थिति के माध्यम से बच्चे रोज स्कूल आने में असमर्थ होते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। वी आर कीपिंग एन आई ऑन टू द स्टूडेंट्स कि जो बच्चे रोज रेगुलर एबसेंट होते हैं, बार बार पेरेंट्स को बुला करके उनको समझाना कि आज विद्या का कितना बड़ा महत्व है। जो बच्चे एजुकेटेड होंगे दे कैन प्रूव देम themselves are the better tools for the parents as well. और बच्चों की पूंजी, पेरेंट्स की पूंजी बच्चे ही होते हैं। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दें, अच्छा संस्कार दें, शिक्षा के लिए प्रेरित करें, तो निश्चित रूप से वो बच्चे उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं और अपने आप को एक सफल इंसान बनाने में कसर नहीं छोड़ सकते। योग पूरा मिलता, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो और हर क्षेत्र में अच्छा हो, इसीलिए वो हर बार पेरेंट्स पीटीएम में भी आते हैं और अपनी बात को बेबाक रूप से रखते हैं और जो भी बच्चों में कमी होती है वो हमें ज़रूर बताते हैं, लिख के भी देते हैं। और मैंने ऐसा प्रोविज़न किया है कि हर एक बच्चा मेरे पास डायरेक्टली आकर के अपने सारी की सारी समस्याओं को, और सारी समस्याएँ कहने का मतलब हर तरह की समस्याएँ, अगर पानी का कहीं नल से टैप रनिंग हो रहा है वाटर, इवन द स्टूडेंट्स आर बीन एबल टू स्पीक टू मी डायरेक्टली दैट द नल इज, वहाँ से नल से पानी निकल रहा है, इसका मतलब बच्चों में आत्मविश्वास की जागृति हो रही है, बच्चे आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी स्कूल को चलाने के लिए अध्यापकों का अहम रोल होता है, तो जो बात करें अध्यापकों की प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? अगर शिक्षक ही अच्छे नहीं होंगे तो जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का जो हमने अपना बीड़ा उठाया है समाज में, ये नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से तक्षशिला विद्यापीठ परिवार की तरफ से शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। कोई भी सब्जेक्ट का कोई टीचर आता है तो सबसे पहले उसके लिए रिटन क्वालिफाई करना होता है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद उनका डेमो होता है क्लास में, डेमो क्लास में होने के बाद स्टूडेंट्स की फीडबैक आती है कि बच्चों का जो उन्होंने समझाया पढ़ाया उन्हें समझ में आया नहीं आया, फिर उसके बाद एक पैनल बैठता है एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स बट ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ उनकी वार्तालाप होती है। मतलब थ्री टायर सिस्टम है, रिटन, देन डेमोन्स्ट्रेशन, देन इंटरव्यू प्रोसेस, उसके बाद अल्टीमेटली वी यूज टू चेक देयर सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है किसी टीचर के पास नॉलेज तो होता है लेकिन उसको क्लास में एंट्री करने के लिए सर्टिफिकेट्स नहीं होते, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट्स ऑफ द teachers, then only we are making them to enter inside the classroom and they start teaching the students. उनको आप किस तरह देखते हो सर? Basically, आज का students homework करने से थोड़ा दूर होता है, कतराता है जी। राइटिंग में उनकी प्रॉब्लम होती है, राइटिंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाती, यही कारण होता है कि परीक्षा में भी मार्क्स कम आता है, क्योंकि परीक्षा में अंक अर्जित करना पूर्ण रूप से निर्भर करता है जितनी बातें आप एग्जाम में लिख पाते हो। अगर आप पूरे तरीके से 100% लिखते हो तभी आपका मार्क्स 100% आता है। हमारे बच्चे होमवर्क्स के लिए उनको हम इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, बेसिकली सारे के सारे स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं, मैं अपने तरीके से 9 पीरियड्स लगाता हूँ, और लास्ट पीरियड में जो ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर हैं, जो वीक हैं, जो होमवर्क नहीं कर पाते, जिन्हें कुछ समस्या होती है, यहाँ पे बिठा करके एक्स्ट्रा टाइमिंग उन बच्चों को टीचर के सामने उनका होमवर्क कराया जाता है। इस तरह से बच्चे फुल टाइम अपना काम करके यहाँ से जाते हैं। सभी ऐसे भी बच्चे होमवर्क करते हैं जी? बिल्कुल कर, 100%। नाइन्थ पीरियड आपने बताया वो स्पेशल होमवर्क करवाने के लिए, होमवर्क पीरियड, डायरी पीरियड, और बच्चों का जो भी फीडबैक है, जो कमजोरी है, किसी सब्जेक्ट में बच्चा पीछे चल रहा है, जो बात उसको समझ में नहीं आ रही, उन सारी चीज़ों के लिए, मतलब आप कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव पीरियड। फॉर्मेटिव पीरियड मीन्स उन बच्चों को हम स्क्रूटनी करते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, स्लो लर्नर हैं, उनकी रियल प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। यदि सर स्कूल टाइम के बाद बच्चों को कोई समस्या होती है, कोई डाउट है किसी तरह का, तो क्या वो टीचर्स के 100% द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कनेक्ट विद द टीचर? इवन मी इज गेटिंग कॉल आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट ऑल्सो। पेरेंट्स 10 बजे के बाद मुझे भी फ़ोन कर लेते हैं, कभी भी मैं उन्हें नेगेटिव नहीं बोलता, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वट एवर द नेसेसिटिव थिंग्स इज रिक्वायर्ड, आई ऑलवेज रिमेन अवर वर्ल्ड फॉर हेल्पिंग दिस टाइप ऑफ द पेरेंट्स। इवन मैं उन पेरेंट्स को अप्रिसिएट भी करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए इतने जागरूक हैं। यही कारण है कि पेरेंट्स का रिलेशन स्कूल के साथ बढ़ता है और हम भी उनसे अच्छे तरह से तालमेल करके दोनों का जो पर्पस है कि उनका बच्चा अच्छा बने, अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, दोनों काम करते हैं, पेरेंट्स एज वेल एज हम।
सर हमारे चैनल के माध्यम से जो ये विद्यार्थी हैं और पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? निश्चित रूप से आज एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ल्ड. इफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द राइट काइंड ऑफ द एजुकेशन, अगर बच्चा अच्छी तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अच्छे विद्यालय का चयन करना पड़ेगा. जो बच्चा मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा और निश्चित रूप से सफल पाएगा, क्योंकि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा.